हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ WCC 3 का रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए आपके डिवाइस में, मैं इसके ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो मैं यहाँ लाता रहता हूँ मेरे चैनल में। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि WCC 3 ने ट्रेलर लॉन्च कर दिया है दोस्तों। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो उस ट्रेलर में हमको बताया गया कि हिंदी कमेंट्रेटर करने वाले हमारे अक्षय चोपड़ा जी करने वाले हैं, और इंग्लिश कमेंट्रेटर करने वाले मतलब ऑस्ट्रेलियन एक ओपनर बैट्समैन करने वाले हैं दोस्तों। और हम लोगों को बताया गया कि मतलब न्यू बैट्समैन स्किल्स होने वाले, कुछ हाई क्लास वाला बैट्समैन का स्किल होने वाले उस गेम में। और दोस्तों, उसका क्वालिटी भी मतलब सब कुछ कुछ बढ़िया ही होगा, सब मतलब आप समझ सकते हो ना, जिसे मैंने ट्रेलर आप लोगों को दिखाया दिया। तो उसी तरीके से मतलब गेम भी बहुत ही बढ़िया मस्त होगा, और मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं WCC। जैसे कि आप लोगों को पता है कि WCC 2 का रिक्वायरमेंट्स मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को 2GB रैम होना चाहिए। 2GB रैम WCC 2 का ही 2GB रैम मिनिमम होना चाहिए दोस्तों, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब 1GB रैम में भी चल सकता है, मतलब चलेगा गेम, मतलब उतना अच्छे से चलेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और दोस्तों, WCC 3 का मतलब पूरा ग्राफिक्स, सब कमेंट्री, सब पूरा मतलब नेक्स्ट लेवल पे होने वाले हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो, WCC 2 का ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 2GB रैम है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही 2GB रैम है। मतलब आप समझ सकते हो कि WCC 3 का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लगभग 4GB, मतलब 4GB रैम भी हो सकता है या 3GB रैम भी हो सकता है दोस्तों। मेरे ख्याल से 4GB रैम तो हो जाएगा मेरे ख्याल से लगभग। और स्पेस की बात करें तो 1GB प्लस ही होगा दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी, मतलब 1GB प्लस ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।